नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ही अपने उस सीरीज में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। दो लेक्चर इस विषय पर पहले से ही हो गए हैं, तो अगर अभी तक दोनों आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे चले जाइए, वहां पर जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। उसमें सारे लेक्चर जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे हुए हैं वो उस पे लगे हुए हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम आज के लेक्चर को देखें तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, एनी बेसेंट के बारे में, साथ ही साथ आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम बात करेंगे, सर सैयद अहमद एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1862 में हुआ, बड़े ही अल्पायु में 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। कुल 40 वर्ष इनका जीवन रहा, जो कि बहुत ही कम था, और इतने ही कम समय में जो है इनके यश की पूरी दुनिया में जो है ख्याति हो गई। तो बेसिकली इनके जीवन में अगर हम लोग बहुत घुसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भारत का हर एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से जानता है। तो बेसिकली रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य रहे, और ऐसे दौर में स्वामी विवेकानंद जी ने, जबकि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर हो चुका था और भारत के जो देशज लोग थे उनकी आत्मविश्वास, उनकी प्रेरणा, वो सारी चीजें जो है गुलामी में दब करके एकदम ढह चुकी थी, उस समय में जो है देश में एक नई तरह की क्रांति जो है स्वामी जी ने जगाई। जब ये जो शिकागो में गए और वहां जो है धर्म संसद में 1893 में इन्होंने भाग लिया, और उस धर्म संसद में जिस प्रकार से इनका प्रबोधन हुआ और जिस तरीके से इन्होंने जो है हिंदुत्व को वहां डिफाइन किया, इंडिया के संस्कृति को वहां पर डिफाइन किया, उससे जो है पूरी दुनिया में एक भारत को देखने का अलग नजरिया जो है विकसित हुआ। बेसिकली अगर हम बात करें तो वेदांत को बड़े अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया, और इन्होंने ये बताया था कि नहीं, जो वेदांत है वो केवल हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो सभी मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। साथ ही साथ दुनिया के सारे धर्म जो है अच्छे हैं, सबका एक ही जगह जो हिंदू धर्म की हमारे क्लास पे जो है ले जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एक चीज जो स्पष्ट समझ में आती है वो ये कि हमें पश्चिम का जो आधुनिक संस्कृति है, यानी जो भौतिक संस्कृति है, उपभोग की संस्कृति है वो, और प्लस भारत की आध्यात्मिक शक्ति, इन दोनों के मिक्स से ही एक नई संस्कृति का निर्माण हमको करना होगा, ना कि जो है केवल यहां पर जो आध्यात्मिकता का पालन किया जाए और वहां पर जो है इंग्लैंड में जो भौतिकवाद था तो थोड़ा भौतिकवाद को मिलाया जाए और थोड़ा अध्यात्म को मिलाया जाए, इस तरह की संस्कृति का निर्माण हो, इसके एक पक्षधर ये थे। और साथ ही साथ यहाँ एक विषय को मैं क्लियर करना चाहूंगा आपसे, और अभी तक जहां भी आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक सुधार आंदोलनों में मूर्ति पूजा का विरोध, बहुईश्वरवाद का भी विरोध कि बहुत ईश्वर नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी का ये कहना था कि देखिए, अगर हमको ईश्वर को समझना हो तो हम किस प्रकार से समझेंगे। एक तो ये रास्ता है कि हम सीधे सीधे ईश्वर को समझें, उसको हृदय में बिठा लें और उसकी परिकल्पना कर ले, जैसे निरंकार ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में ये जो सिंबोलिज्म है, प्रतीकात्मकता जो है, उसमें ईश्वर को जिसको जो मन करे, हम देखते हैं कि वो शंकर जी का बन गया, महादेव, राम, कृष्ण, ये सारे लोगों की एक फोटो बना करके, मूर्ति बना करके पत्थरों से हम पूजा करते हैं। तो स्वामी जी ने यही कहा कि सिंबल जो होता है, यानी ये सब जो है धर्म के प्रतीक चिन्ह है, और इन सब चीजों को जो है दिमाग में तुरंत व्यक्ति बैठा लेता है और इनके माध्यम से धर्म को सुरक्षित रखना या फिर उस मार्ग पर जो सत्य है उस पर चलाने के लिए ये सिंबल तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों को चीजों को समझा देते हैं कि हाँ ठीक है, राम जी हैं,
तो ठीक है इनका पैर छूना या फिर इस तरह की बातें। तो ये जो है स्वामी जी ने कहा इस तरह की बात, मूर्ति पूजा का आप देखेंगे तो सारे लोगों ने जो है खंडन किया था। तो बेसिकली अगर जो है थोड़े में स्वामी विवेकानंद जी को समझा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जोर जो है मूलतः कर्म पर था, और इनका स्पष्ट ये कहना था कि कोई भी वो धर्म हो जो कर्म की शिक्षा नहीं देता हो, या किसी भी तरह का ज्ञान हो जो कर्म में न बदले, तो वो ज्ञान बेकार है, फिर उस ज्ञान का जो है कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें जो है स्वामी जी करते रहे, और स्वामी जी जो है का मूल जो वो था, फिर 1857 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन जो है गरीबों की सेवा करना, उसके अलावा जो है उनकी दवा दारू कराना, ये सारी चीजें जो है रामकृष्ण मिशन जो है करता रहा है। पुस्तकालय की स्थापना करना, अनाथालय की स्थापना करना, और कोई जो चीजें हो जाती थी बाढ़ वगैरह, तो उस समय भी जो है ये काम रामकृष्ण मिशन जो है करता रहता था। हालांकि बहुत ही कम उम्र में जो है स्वामी जी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने बात की। अब हम आ जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी बोर्वेट्स्की और कर्नल एमएस अलवार ने किया था, जो है अलकार, इन दोनों लोगों ने किया था। ये मैडम जो थी ये रूस की थी और ये कर्नल साहब अमेरिका के थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। बाद में जो है 1882 में ये भारत में आया, और अडयार, एक मद्रास के नजदीक का जगह था अडयार, उसमें जो है इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय बना। और अगर हम देखें थियोसॉफिकल सोसाइटी को, तो हमें इसके साथ ही एक नाम जो याद आता है वो एनी बेसेंट का नाम याद आता है। इसके संस्थापकों को अगर हम देखें तो ये बहुत कम फेमस थे। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी फेमस था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया था। ये 1888-89 में जो है इससे जुड़ी थी, और इसकी सदस्यता ये इन्होंने लिया था, मैडम एनी बेसेंट ने। अगर हम एनी बेसेंट को देखें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही, और उसके साथ साथ एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन जो चला था, एक जो तिलक के नेतृत्व में चल रहा था, और एक जो है मैडम एनी बेसेंट के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका मुख्यालय अडयार था, इसमें हमने देखा था। अगर हम इसके धार्मिक व्यू को देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के, तो ये ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व की बात करता था, साथ ही साथ जो है ये बाल विवाह और जाति प्रथा के विरुद्ध था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी थी। शिक्षा के विषय में इन्होंने काफी काम किया। सीएचएस की हम देखते हैं कि एनी बेसेंट ने स्थापना की थी, जो कि 1898 में हुआ था, लेकिन बाद में जब मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया तो इन्होंने सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल को जो है मालवीय जी को दान कर दिया, और फिर तब से सीएचएस जो है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलता है। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी था। अब हम आ जाते हैं अपने मेन इंटरेस्ट के विषय पर, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो देखिए ये जो आर्य समाज था, इसकी स्थापना हिंदू धर्म में जो है सुधार के लिए, इसकी बेसिकली स्थापना हुई थी। एक तरह से ये सुधार आंदोलन था, और जो कि वैदिक जो धर्म था उसकी स्थापना करना चाहता था, हालांकि उसके शुद्ध रूप में जो वैदिक धर्म था उसकी ये स्थापना करना चाहते थे, और बार बार जो है वेदों की ये सर्वोच्चता की बात करते थे। हालांकि ध्यान ये रखना है कि पुराणों का ये खंडन करते थे, वेदों की सर्वोच्चता को जो स्वीकार करते थे, और इसी से इनका एक बहुत फेमस हम देखते हैं कोट था कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की तरफ ही लौटो। इनका मानना था कि वेद जो है वो ईश्वर ने बनाया है, और इसीलिए वो सभी धर्म से जो है हट कर दिया। अगर हम देखें तो 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में, जो कि बाद में जिसका मुख्यालय लाहौर में चला गया। तो यानी बंबई में स्थापना हुई और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में हुआ। छुआछूत और जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ये पत्रिका थी, इनका जो चिंतन होता था, इनके जो विचार होते थे वो इसमें इन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखते थे। इस पत्रिका ने बहुत जो है मदद की आम लोगों की, उनके जो धार्मिक सवाल होते थे, जो धर्म को लेकर उनके दिमाग में उलझने होते थे, उसको काफी हद तक सत्यार्थ प्रकाश में दूर किया गया। उसके साथ ही इन्होंने दो कृतियों की रचना की जिनका नाम था वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। इन दो कृतियों की इन्होंने रचना की। अगर इनकी आइडियोलॉजी को देखें तो जातिगत कठोरता जो थी, जो विषमताएं थी जाति में, उसके ये विरुद्ध रहे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध रहे। हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। कर्म कांड, जो बहुत से कर्म कांड आ गए थे धर्म में, और एक तरह से कहा जाए तो कर्म कांड को ही लोग धर्म समझने लगे थे। वो पूजा पाठ और पूरा वो बलि वगैरह जो होता है उसे कर्म कांड हम कहते हैं, तो उसके विरोधी रहे। पुरोहितवाद, जो समाज में ये आ गया था कि नहीं, एक विशेष वर्ग के लोग ही पूजा करा सकते हैं या ईश्वर से लोगों के का साक्षात्कार करा सकते हैं यानी पूजा के माध्यम से, तो उसके भी जो है ये विरोधी रहे। साथ ही साथ जो है अंतर जातीय विवाह जो होता था एक जाति से दूसरे जाति में, और विधवा विवाह, इन दोनों के जो है ये समर्थक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मोटे तौर पे जो मेन फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ था उसको हमने देखा। बहुत डीप में हमको जाने की इसमें जरूरत है नहीं। हालांकि इनके जो है 10 सिद्धांत थे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के, वो एक बार जो है वो 10 सिद्धांत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख भी लें, वैसे बहुत जरूरी मेरे हिसाब से नहीं, एक बार आप सुन लें ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। तो वो 10 सिद्धांत का पहला सिद्धांत है कि सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। तो मैंने कहा कि वेद की सर्वोच्चता, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, पूजा वगैरह, मूर्ति पूजा का विरोध हमने देखा, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध। वो कहते हैं ना कि कृष्ण उनके अवतार थे, राम उनके अवतार थे, या फिर हम दूसरे धर्मों में देखें तो हम जीसस को देखते हैं उसी तरह से हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं, तो अवतारवाद का विरोध। कर्म सिद्धांत और अवागमन सिद्धांत का समर्थन, यानी कर्म ही प्रधान है इसकी बात। निरंकार ईश्वर की एकता विश्वास, मूर्ति पूजा का जो भी व्यक्ति विरोध करता है वो निरंकार ईश्वर को मानता है, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसका कोई आकार नहीं होता है, तो फिर मूर्ति आपका है कैसे बना रहा है, इसका कहने का मतलब ये। स्त्री शिक्षा में विश्वास, विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध, तो बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार। यहाँ एक दो इंसाइट मैं आपको ये देना चाहूंगा कि पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ये विचार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का था। साथ ही साथ पहली बार स्वदेशी का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, यानी विदेशी कपड़ों का या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी यानी देशज जो चीजों के प्रयोग का विचार आया स्वदेशी का, वो पहली बार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती लेकर के आए। एक तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना, दूसरा जो है स्वदेशी, ये दोनों चीजें जो है यही लेकर के आए। अब अगर हम सर सैयद अहमद एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करें तो देखिए, ये सर सैयद अहमद जो 1857 की क्रांति थे उसके ये प्रत्यक्षदर्शी थे, उस समय ये बिजनौर में तैनात थे, ये बेसिकली जो है अंग्रेजों के तहत एक क्लर्क, और इनकी जो विचारधारा रही वो मेन ये कि जो मुसलमानों को शिक्षित ज्यादा से ज्यादा करना, और साथ ही साथ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ने, अगर हम 1857 की क्रांति में देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग लड़े, तो वहां से इनको ये लगता था कि ये समय नहीं है कि ब्रिटिश को कोई भी भारत से हटा दे, इस तरह की ताकत नहीं दिखती है, तो इससे अच्छा है कम से कम मुसलमानों के लिए कि वो चुपचाप पढ़ाई करें, शिक्षा लें, अपने करियर में आगे बढ़े और अंग्रेजों के साथ सहयोग करें, सहयोग करके आगे निकलें, क्योंकि
किसी भी तरह का विरोध अवरोध करने की स्थिति में भारत का मुसलमान नहीं है और वो गरीब है, इसलिए राजनीति को मुसलमान जो है कि कहीं उठा करके रख दे और चुपचाप अंग्रेजों का सहयोग ले और नौकरियों में आगे बढ़े ताकि धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। हालांकि शुरुआत में हिंदू और मुस्लिम दोनों को इन्होंने जो है एक आंख बताया और उसके जो है एकता के लिए बराबर ये कहते रहे और काम करते रहे, लेकिन बहुत बाद में जो है जब चल करके ये एक तरह से कट्टरपंथी मुसलमान होते चले गए और केवल मुस्लिम हितों के बारे में ही ये बात करने लगे और एक तरह से जो है अंग्रेजों के बहुत ही प्रिय ये बन करके उभरे। और इन्होंने ही जो है 1875 में इनके जीवन का जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना आज हम जानते हैं जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, जो अलीगढ़ में ही है वही इनका केंद्र भी था, तो हाँ इन्होंने इसकी स्थापना 1875 में की। बाद में वही 1920 में वही जो कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वो 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो 60 में देखें तो यही इस आंदोलन का बेस था कि मुसलमान जो है राजनीति के तरफ ना जाए, अभी चुपचाप जो है पढ़ाई करें आगे बढ़ें और आर्थिक रूप से मजबूत हों, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि हम अंग्रेजों का विरोध कर सके। हालांकि बाद में इनका अंग्रेज समर्थक स्थिति धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया और साथ ही साथ मुसलमानों से यह कहा कि वो कांग्रेस की सदस्यता न ले। तो यह पूरा जो है सर सैयद अहमद का अलीगढ़ आंदोलन था। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये पूरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बताते रहे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, धन्यवाद।